मेरी बहुत ही प्यारी 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 मेरी माताओं और मेरी बहनों, आज आपको देखकर मेरा खून तो भाई शेर से सवा शेर हो गया। इतनी नारी शक्ति, बहनों की शक्ति जब सामने हो तो कौन हमारे को डरा सकता है? बताओ, हम किसी से पीछे हैं क्या? नहीं, जो हमसे टकराएगा चोर चोर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चोर चोर हो जाएगा। तो जहां बहनों का आशीर्वाद हो, माताओं का आशीर्वाद हो और साथ हो, वो काम जो है वो पूर्ण तरीके से होता। आज हमारे हालात क्या हो गए, हम लोग घर संभालते हैं, गृहणियां हैं, बाकी पढ़ते हैं और बाकी काम करती हैं, लेकिन जो ये महंगाई का प्रकोप है वो सबसे ज्यादा हमारे ऊपर असर करता है या नहीं करता? हालात ऐसे हो गए कि आज हम ना तो ये सुंदर सुंदर चुंदड़ियां बनाने में सक्षम रहे, ना हम टोप पहनने में सक्षम रहे, क्योंकि कहां से बनाए? हर एक लोग जानते हैं महंगाई का प्रकोप इतना है कि घर गृहस्थी जो है वो चलानी मुश्किल हो रही है। सही बात है या नहीं बहनों? आज हमारे को फिक्र रहती, हमारे नौजवान बच्चे बेरोजगार जो घूम रहे हैं, हमारी जो बच्चियां बेरोजगार हैं, शादियां हमारी बच्चों की जब होती है तो पूछा जाता है कितनी पढ़ी लिखी है, कहां काम कर रही है, इसी तरह से होता है ना। और आज जो बेरोजगारी का आलम है उससे हम लोग पूरी तरह से त्रस्त। आज ये कहा गया था, आप लोग जानते हैं, केंद्र सरकार ने यहाँ पे जब केंद्र के वहां पे ये कौन सी मीटिंग हुई थी लाल किले से, 15 अगस्त को ये बात कही गई थी कि 2 करोड़ नौकरी मैं दूंगा। 2 करोड़ नौकरी का मतलब 10 साल पूरे होने को हैं। आज 10 साल पूरे होने को हैं, बताओ बहनों नौकरियां आई क्या? पत्रकार भाइयों इधर मुंह मोड़ के देखो जरा, जो बहने कह रही हैं, मेरी तरफ बात नहीं करना, आई क्या नौकरियां? बताओ, जो मोदी जी ने कहा था सही निकला क्या? नहीं, ये कहा था किसानों की आय 2024 तक दुगनी कर दूंगा, कहा था या नहीं कहा था? तो यहाँ किसान आंचल की सारी मेरी बहनें बैठी हैं, बताओ बहनों तुम्हारी किसानों की आय दुगनी हो गई या नहीं हो गई? नहीं हुई। दुगनी की तो बात छोड़ो, दुगनी से भी क्या, आधी से भी आधी हो गई। आज हालात ये, आज नोटबंदी जब करी गई थी तो ये कहा था कि काला धन वापस लेके आऊंगा, ये एक बात थी या नहीं थी? कहा था? काला धन वापस आया क्या? थोड़ी आया, लेकिन सारा धन जरूर निकाल लिया भाई। माननीयों बताओ काला धन था क्या? मेहनत का काम, मेहनत की पैसा था, और धन तो काटा तो काटा, झूठी और बना दी कि नहीं बना दी? सारी झूठी और बन गई, सबने मेरा पाट लिया भाई, कितना डर रही थी सारी नजारे, ऐसा ही हुआ ना। ये हालात देश के अंदर जब झूठे वायदे करे जाते और नेता झूठ बोलते हैं तो उसका नतीजा ये होता। ये कहा था कि बहनों को धुएं में से निकाल दूंगा, कही थी ये बात? तो बहनों धुएं में से ऐसा निकाला कि सिलेंडर जो है वो 1600 रुपए का कर दिया, नहीं 1100 का, 1100 का सिलेंडर कर दिया नहीं कर दिया?
रुपए का सिलेंडर ले रही हो, ले रही हो नहीं ले रही हो, सारी की सारी ले रही हो। अब क्या करा, अब 200 रुपए कम कर दिया, 200 रुपए कम क्यों कर दिया पता है तुम्हारे को? क्योंकि चुनाव आ रहा है, एक तो ये, और दूसरी बात, अब एक नया सिलेंडर मिलन जा रहा है सामने। ये सिलेंडर में 14 किलो आता है, वो सिलेंडर में आओगा 12 किलो गैस, समझ रही हो? तो यहां से पकड़कर और यहां पर ये हालात कर लिए आज, कैसे हम चौका चूल्हा चलाएं बताओ? एक सिलेंडर दो सिलेंडर कम से कम लगते हैं, लगते हैं नहीं लगते? हम आपको वायदा करते हैं, सरकार आए दो, ये सिलेंडर जो है ना सबने जो मिल रहे हैं आज के दिन 950, और भाई खुदा ना खास्ता ये कल आ गए तो 1150 से भी ज्यादा मिलेंगे। ये गलती ना करके हो भाई, नहीं करोगे ना, नहीं करोगे? हमारी सरकार आई तो भाई जितना पहले था, 10 साल पहले जो मिला करता था उतने के सिलेंडर तुम्हारे को हम देंगे। मैंने इनको कहा कि ये कानून गलत कानून है, विधानसभा में मैंने इस पर बहुत लंबी तकरीर की, ये कानून मत बनाओ, फैमिली आईडी प्रॉपर्टी आईडी ये आपके गले की फांस बनेगी। और आज वही हालात हो गए, जो गरीब औरत है जिसको पेंशन मिलनी चाहिए उसको पेंशन नहीं मिल रही, उसकी कट गई। सारी करो ना, राम का नाम है भी लो भाई, मेरे तो माला गैस चले। हाँ, और साथ की साथ सुबह शाम मैं भी राम की वो करूं। तो भाई ये राम मंदिर अगर किसी ने किसी को दिखाना है तो दिखाओ, बहुत अच्छी बात है, हम भी जाएंगे देखने, लेकिन बहुत इससे पीछे ना दिया भाई, मान गई कि नहीं मान गई मेरी बात? क्योंकि हमारे को चाहिए नौकरियां हमारे बच्चों की, हमारे को चाहिए हमारी महंगाई कम हो, हमें चाहिए कि हमारे गैस का सिलेंडर कम हो, हमें चाहिए जो हमारा ये बर्बादी का सबब बना रखा है, पोर्टल पोर्टल पोर्टल, सारे पोर्टल पोर्टल कर दिए ना, सारा देश का पूरा प्रदेश में एक आदमी एक थैला लेकर हांडे जावा भाई ठीक करवाते हांड, ऐसे ही हो रहा है ना? वायदा करा था इन्होंने 5100 रुपए पेंशन दूंगा, करा था, कितनों को मिल रही है पेंशन 5100? किसी ने कौन मिले, तो झूठे मिल गए ना, झूठे बोल दिए ना झूठ, कम चिंता ना करो, ये तो है झूठे लोग, लेकिन हम पूरा करेंगे ये वादा मैं आपको करती हूं। इनकी झूठी बातों में, इनके झूठे लारे रखेंगे, और ये जात पात की जो राजनीति करते हैं, हमारी कोई जात नहीं है, हम महिला हैं, हम नारी शक्ति हैं, हैं या नहीं? हम अपने घर को संभालने वाली, हम अपने बच्चों को आगे शिक्षा देकर उनको बढ़ाने वाली, हम जो हैं, हमारे साथ अगर जाती होती है तो लोहा लेने के लिए भी हम तैयार हैं, तैयार हो या नहीं? और शोर करण खातर जो आएगा ना, और शोर करण खातर उनने बजा दिया, बाहर बजा दोगे या नहीं बजा दोगे? पक्की बात, वो पीछे वाली तुम भी बता दो, सही बात। ये लोग जो हैं ये दुश्मन है, जनता के विकास के दुश्मन है, जनता को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, घर के अंदर सुख शांति नहीं रहने देना चाहते। भारत तो मैं बता दो कितनों के घरों के अंदर 5-5 लाख का उपचार हो गया भाई, नहीं हुआ तो झूठ करके बनाओ भाई, देख लो अखबार वालों देख लो, ये तो है असलियत। अब एक नई यात्रा निकाल रहे हैं,
ये बीजेपी के लोग एक नई आंकड़ा निकाल रहे हैं जिसका नाम कुछ विकसित भारत करके है और कहते हैं शपथ दिलवाते शपथ लो कि हम अपने देश को विकसित करेंगे। कब तक विकसित होगा वो देश? सरस्वती का रूप हो जबान पर और चाहे दुश्मन को धामे का स्वरूप हो दुर्गा माता बनकर। आज यहाँ पर सरस्वती भी बैठी है, दुर्गा माता भी बैठी है, सारी हमारी बहनें हैं। मीडिया के साथियों को देख रही हूँ, शायद यहाँ पर थोड़ी कमी है, मीडिया में भी और बहनें होना जरूरी है। आप सबका बहुत स्वागत है जो आप दिल में दर्द लिए बैठी हैं। और दर्द क्यों नहीं लोगी? ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की, जिसका आधार झूठ पर रखा गया, बदहाली है। बहनों की स्थिति की हम बात करें, जो मेरे मीडिया के साथी भी यहाँ पर हैं, नेशनल क्राइम ब्यूरो सरकार की संस्था, उसके मुताबिक दिल्ली के बाद सबसे ज्यादा अपराध महिलाओं के ऊपर होते हैं तो वो हरियाणा में होते हैं। ये कोई गर्व की बात नहीं हो सकती है। क्या कारण है? ये शर्म की बात है कि हर दिन कम से कम 5 बलात्कार के केस हो रहे हैं हमारे हरियाणा में। ये शर्मनाक बात है, जहां पर महिलाओं की बहनों की इज्जत महफूज ना हो वहाँ पर ऐसी सरकार को रहने का कोई हक नहीं होता। आज मैं जहाँ भी जाती हूँ, गांव में, घरों में, मेरी बहनों से जब बातचीत करती हूँ तो मैं समय का बदलाव देखती हूँ। पहले जब लोगों के बीच में, बहनों के बीच में जाती थी तब बहनें कहती थी कि देखो ये छोरे यूं है आंडे, नौकरी दिलवाओ। अब जब बहनों के बीच में, माताओं के बीच में, घरों में जाती हूँ तो मेरी माताएं बहनें कहती हैं हमारी बेटियों को भी नौकरी दिलवाओ। अभी 5 राज्यों में चुनाव आए, गैस सिलेंडर 1100 रुपए पार कर गया था। हमारे समय में जब हमारी सरकार थी तब 450-450 का था, इन्होंने 1100 पार कर दिया। चुनाव नजदीक आए 5 राज्यों के तो कहा हम 200 रुपए कम कर देंगे। लॉलीपॉप पकड़ाने में बहुत माहिर है। और अब चुनाव खत्म हो गया, बहनों आप बांध लो, कांड बांध लो अपनी चुनरी में। थोड़े दिन में ये फिर से गैस सिलेंडर का भाव बढ़ा देंगे, देख लेना। इनकी बात पर कभी विश्वास नहीं करना, क्योंकि बीजेपी का मतलब है भारतीय झूठ पार्टी, बीजेपी का मतलब है भारतीय जुमला पार्टी। तो ये जुमलेबाजी का जो भारतीय जनता पार्टी लाई है सार्वजनिक जीवन में, तो ये झूठ और जुमलेबाजी बहनों ज्यादा दिन नहीं चलेगी। मैं आपको बता दें, इसकी बार वाली भूल नहीं करनी है। हमारी छोटी बहन को फिर से संसद में भेजेंगी तो आपके हाथों के लड़ाई लड़ेंगी, आपके लिए वहां पर दहाड़ेगी संसद में आपके हक के लिए। और हमारा आपसे वायदा है बहनों, राज्य में भी सरकार आएगी, राज्य में सरकार आएगी तो हम आपके लिए, हर एक बहन के लिए, हर एक बहन की जेब में 1 साल में, हमने दूसरे राज्यों में भी कहा, 1 साल में 15,000 रुपया हर बहन की जेब में जाएगा। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, बहनों के लिए हमने करना। गैस सिलेंडर की बात, गैस सिलेंडर आज जब दूसरे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां हैं वहां पर कहते हैं हम 500 का देंगे, तो हरियाणा में क्यों भेदभाव है हमारी हरियाणा की बहनों के साथ? क्यों हमारी यहाँ की बहनों को गैस सिलेंडर 500 रुपए में क्यों नहीं दे रहे भारतीय जनता पार्टी वाले? आप सवाल पूछना जब आपके बीच में गया है, अपनी जुमलेबाजी लेकर आए। हम आपसे वायदा करते हैं हमारी सरकार आएगी, श्रुति चौधरी
आप सबको 500 रुपए में गैस सिलेंडर करें। कांग्रेस पार्टी आपके लिए ये काम करे। आज का जो इतना विशाल महिलाओं का जन समूह हमने देखा, मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूंगी अपनी छोटी बहन श्रुति जी को, जिन्होंने सिंगल हैंडेडली बहनों के साथ जुड़कर, भी एक दिन में नहीं होता कभी, ये तब होता है जब लगातार बहनों के साथ या लोगों के साथ जुड़े रहे। आज इतनी संख्या में बहनें आई हैं, इनका काम है श्रुति जी का, किरण चौधरी जी का, जो इन्होंने इलाके की सेवा की है, जो बंसी लाल जी के बाद, जो सुरेंद्र सिंह जी के बाद लोगों का जुड़ाव इनके साथ है। झूठ की राजनीति में लोग बह गए, लेकिन आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है। लोकसभा चुनाव आएगा, हमारी छोटी बहन श्रुति चौधरी जी, ये बहनों की ना केवल संख्या लेकिन उनका उत्साह भी दिखा रहा था कि हमारी छोटी बहन श्रुति चौधरी जी फिर से यहाँ से सांसद। जैसे आपसे सवाल पूछा गया था कि उनके प्रोग्रामों में आपको इनवाइट किया जाता है, तो कहते हैं कि करते हैं लेकिन आपकी तरफ से मना कर दिया जाता है, पत्रकार साहब से नाराज भी हो गए थे, तो अलग से आप अपनी राह पर किरण चौधरी और शैलजा जी चलेंगी जिस तरीके का कार्यक्रम आज रहा? देखो, हमने तो हमेशा कांग्रेस पार्टी की बात की है, हम हमेशा कांग्रेस का झंडा लेकर चले हैं, हमने कभी कांग्रेस के खिलाफ एक शब्द ना बोला और ना हम सोच सकते हैं। तो हमने तो हमेशा कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद करना है, राहुल गांधी का झंडा, खड़गे जी का झंडा बुलंद करना है, हम कांग्रेस की मजबूती की बात करते हैं। ये जो अगर आपस में कुछ बात है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है, ये उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। तीन स्टेट के अंदर एनालाइज किया हुआ, एनालाइज कर रहे हैं हम, क्योंकि कोई भी मीडिया, कोई भी चैनल, चाहे राष्ट्रीय चैनल हो, चाहे प्रादेशिक चैनल हो, या कोई भी सर्वे, किसी ने भी नहीं कहा, मैं केवल छत्तीसगढ़ की बात कहना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ में की कांग्रेस की सरकार नहीं, सब कहते थे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो इस चीज को हम देख रहे हैं, कुछ ना कुछ बात होगी, हो सकता है कुछ हमारी वो कमी, और हो सकता है कि कुछ और बातें भी मुद्दे सामने आए, तो हम इसका विश्लेषण कर रहे हैं। मोदी की गारंटी पर लोगों ने वोट दिया, आप क्या मानते हैं? अब आप देख लीजिए कि मोदी जी को जाकर वहां पर गारंटी क्या देना पड़ा, और इस तरह से जहां कांग्रेस ने काम करके दिखाया, हमारी सरकार ने वहां पर काम करके दिखाया, अगर उस चीज को इन्होंने कहीं और अपनाया, क्या गुजरात में अपनाया, क्या गुजरात में धान की वो कीमत दे रहे हैं, क्या किसी और प्रदेश में दे रहे हैं, तो ये कहने की बातें हैं, केवल जुमलेबाजी करते हैं ये लोग। अंत में भी आपने देखा महिलाओं को बरगलाने की कोशिश, हरियाणा में भी, मैं आपको केवल हरियाणा नहीं, आपको याद दिलाना चाहूंगी कि 2019 का जब चुनाव हुआ था, उससे चंद दिन पहले, दो महीना पहले, इन्होंने किसानों को जो पैसे देने की बात की, 6,000 रुपया हम देंगे, और लगातार दो किस्तें दे दी। जब चुनाव आता है तो इस तरह की बातें ये करते हैं, हम क्या गारंटी, और बाद में किसानों को ही कहा कि आप, कितने किसानों को, आधे किसानों को कहा कि आप पैसे वापस करो, इनकी बातें। चुनाव जो जीते हैं वो चार बातों को मजबूत करने, यानी कि उनका कास्ट कार्ड जो उन्होंने द्वारा उन्हें जीत हासिल। कौन सी चार जाति? चार जाति जो की कास्ट कार्ड उन्होंने, ओबीसी जो वर्ग है, और ये जो चार जाति थोड़े ही होती है, लोकसभा पे कितना असर पड़ेगा मैम इन चुनाव का, क्योंकि नजदीक है? देखो, हर जगह की अलग स्थिति होती है, लोकसभा के मुद्दे अलग है, हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से देखो महंगाई बढ़ रही है, जैसे बेरोजगारी बढ़ रही है, हर साल 2 करोड़ रोजगार देने थे, आज मांगे प्रधानमंत्री जी 50,000-20,000 इतने बांटने बांट रहे हैं, इसलिए सामने आती है, लोग देख रहे हैं, लोकसभा में भी आप देखेंगे कि नतीजे अलग होंगे, भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ना करेगी। आज ने वाला समय पार्टी जो भी जैसे भी होगा वो आपके सामने बात आएगी। आज के दिन मैं इन चीजों पर इतनी नहीं कर सकती, लेकिन ये जरूर कह सकती हूँ कि जुमलेबाजी की सरकार ज्यादा दिन नहीं चल सकती। थैंक यू।